हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़, वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। तो गाइज, आप सबको पता है कि काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाते हैं इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज आई है। अगर इस वैकेंसीज के बारे में बात करो गाइज, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र ट्रांसिको के नाम से जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही ओवन कंपनी है। यहाँ पर ये पावर जो ट्रांसमिशन सिस्टम से से रिलेटेड डील करती है। यहाँ पर जो वैकेंसीज अगर आप देखेंगे, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की वैकेंसीज निकली है। एससी के लिए 49, एसटी के लिए 32, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। जनरल के लिए 138, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, ओबीसी के लिए 85, टोटल 390 वैकेंसीज आई है। एई के लिए अगर आप देखोगे, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए 390 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। काफी बड़ा नंबर अगर आप यहाँ पर देखेंगे। एंड असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन के लिए भी 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर पे स्केल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनका 49210 के हिसाब से आप देखोगे सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद उसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट, बाकी अलाउंसेस, जितने भी बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की, तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए अच्छी वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो है वो टेली कम्युनिकेशन वाले फॉर्म को भर सकते हैं, तो ये भी फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एज लिमिट जो है इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर रखी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 38 ईयर भर सकते हैं। इसके अलावा जो एससी एसटी और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको रिलेक्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनकी 57 ईयर रखी है, मतलब अगर ये 57 में ज्वाइन करते हैं तो 2-3 साल बाद इनका रिटायरमेंट भी हो जाएगा इस जॉब में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है वो 24/10/2023 के हिसाब से यहाँ पर आपकी काउंट होगी। रिजर्वेशन जो है वो अगर आप डोमिसाइल्स हो यहाँ के तभी आपके लिए एलिजिबल होगा। अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट्स हो तो आप जनरल के अंदर काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो वहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर और भी इन्होंने क्या क्या कैटेगरीज है वो सब मेंशन कर रखी है। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए क्या रिलेक्शन है वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो गाइज, इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन का जो मेथड रहेगा वो रिटर्न टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन बेसिस पे, उनकी डिटेल्स वेरीफाई होगी, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट आपका जो टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर जो है वो इसका रहेगा प्रोफेशनल, जो भी आपका टेक्निकल जो भी आप फिल करेंगे उसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क्स के। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड और मराठी लैंग्वेज का यहाँ पर 20/10 का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एंड ऐसे ही अगर आप ये देखोगे, इन सबको मिला के आपका यहाँ पे जो आ रहा है वो टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट्स में आपको, 150 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट्स में आपको ये सोल्व करने होंगे। तो जो इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे, तो टेक्निकल नॉलेज तो अगर आपने एसएससी जेई की प्रिपरेशन करी है तो ऑलमोस्ट सेम आपकी रहती है, एप्टीट्यूड भी वही रहता है। बस तो थोड़ा सा मराठी का नॉलेज है तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, अगर नहीं भी है तो 10 मार्क्स की बात है, तो आप आराम से बाकी चीज़ें कवरअप करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्राइविंग सिलेक्शन सिलेक्ट लिस्ट जो है आउट ऑफ 150 मार्क्स आपका होगा। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, इस 150 मार्क्स को 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके हिसाब से 30 मार्क्स में काउंट होगा। एंड देन उसके बाद बाकी कैटेगरी में भी इसमें रिलीफिक्शन आएगा, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से फिर फॉलो किया जाएगा। एंड जो रिजर्वेशन वगैरह है उस हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट आपकी फाइनली बनेगी। आपके देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है जो एक ही जगह होंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, 16 लोकेशन दी हुई है महाराष्ट्र की, तो इनमें से आप किसी भी लोकेशन पर जाके एग्जाम दे सकते हैं। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फीस जो है ओपन कैटेगरी में 700, रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी है उसमें 350 आपकी लगने वाली है, तो आप एप्लीकेशन इसको भर सकते हो। अगर आप दिव्यांग हो तो उस केस में आप ये फॉर्म की कोई भी आपकी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अप्लाई करने के लिए आपको जो भी पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक कर वाला जो ऑप्शन है उस पर आप भर सकते हैं। पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जितनी भी डिटेल्स है वो सारी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, वो सारी की सारी डिटेल जो आपको इस फॉर्म को भरने में हेल्प कर सकती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन केस ये होता है कि आपको कोई डाउट्स आता है इन फॉर्म को भरने के लिए, तो आप वो डिटेल मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी है 24/10/2023 है, और ऑनलाइन टेस्ट आपका December 2023 में होने के पूरे चांसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपका इसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है, क्या बाकी डिटेल क्या रहती है,
होती है, तो वो सब आपको टाइमली बेसिस पे चैनल पर मिलती रहेगी। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही कोई भी अपडेट आती है। तो गाइज आप लोग ये फॉर्म जरूर भरिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम में पूछिए, यहाँ पूछिए, आई विल रेस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, सी यू।